उन्हें कन्विंस करना या उन्हें प्रोडक्ट सेल करना आसान नहीं होगा आपके लिए। इसीलिए आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बेहतर होनी चाहिए, और किसी भी ऐसे व्यक्ति से, आपके ऐसे व्यक्ति से जिसे आपसे पहले बेसिक्स भी ज्यादा जानकारी है, राइट। इसके अलावा जो रेंजेस आती हैं, ये हमारी ब्यूटी सभी को इस तरह से हैंड रेस कीजिएगा, सभी को फुल स्क्रीन पर वेरी डॉग जूस विजिबल है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए पहला प्रोडक्ट भी हैव इज योर वेरी डॉग जूस। वेरी डॉग जूस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, 5 प्रकार की बेरीज, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, चेरी बेरी, 5 प्रकार की बेरीज का फुल फ्रूट, कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर, छिलका भी, बीज भी, रस भी, पल्प भी, सब कुछ, 5 प्रकार की बेरीज का पूरा फ्रूट प्लस अनार, चुकंदर, कोकम, एप्पल, नूनी, इस तरह के फलों का यहाँ पर क्या है, ये आप ओवरऑल कह सकते हैं जूस तैयार किया गया है, रस तैयार किया गया है। ओके, एक चीज मैं आपसे मेंशन करना चाहूंगी, अगर कोई ट्रैवल कर रहा है कैमरा बंद कर लीजिए, ठीक है, यहाँ वहां के दृश्य ना दिखाइए। दूसरा, अगर आपको कैमरा नहीं चलाना आता है, वीडियो नहीं चलाना आता है, नहीं पता है कि जूम का कैमरा कैसे चलता है, आपको कहीं बाथरूम जाना है या ऐसा कहीं जाना है, तो आप कैमरा एक जगह पर छोड़ कर जाइए, ठीक है। कई जगह है कि बच्चों ने ऑन करके दे दिया, आपको नहीं आता है उतना, आप टेक्निकली साउंड नहीं है, आप कैमरा बाथरूम में लेकर, ऐसे कुछ मिनरल्स का रिच सोर्स है, ओके, जिसकी वजह से ये विटामिन मिनरल्स यानी ताकत के रूप में किसी के लिए भी रिकमेंड किया जा सकता है। और विटामिन मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो हम ताकत के लिए, अगर हम एक भी टाइम खाना मिस करते हैं, शरीर में पोषण की कमी, उस दौरान हम इसे यूज कर सकते हैं, ओके। यानी खाना मिस कर रहे हैं, शरीर में ताकत की कमी है, विटामिन मिनरल्स की कमी है, मार्केट से ऐसे कुछ भी खा लिया जल्दी से पेट भरने के चक्कर में, चलिए जो है ठीक है, अभी नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएगा, जो भी वजह रही हो, ऐसे में पेट आप भर लीजिए लेकिन ताकत देने में मदद करेगा, ओके, नंबर वन। नंबर टू, कोई बड़ी बीमारी है, गांठ से लेके, कैंसर से लेके, कोई बड़ी समस्या है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, हैवी मेडिसिंस चल रही हैं, जो कुछ खाते हैं वो ठीक से हजम नहीं कर पाते हैं, ना कोई भी वजह आप मान लीजिए चल रही है जिसके चलते आप खा रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है ना, ऐसा कुछ है, तो शरीर में ताकत की जो कमी रह रही है उसे भी पूरा करने में मदद करेगा, ओके। पोषण की कमी, क्योंकि आप नहीं खाएंगे तो और कमजोर होते चले जाएंगे बीमारियों के इलाज के, दवाइयों के साथ, इसलिए पोषण की कमी को पूरा करने में मदद करेगा, तब भी ये दिया जा सकता है। प्लस ये स्किन को टाइटन अप करने का फल ही फल है, ओके, स्किन को टाइटन अप करने का, कसने का काम करता है, यानी स्किन की बेहतरी के लिए दिया जा सकता है। नेक्स्ट आफ्टर दिस, स्किन रिंकलिंग के लिए आप लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट आता है बवासीर में, फाइबर के लिए दिया जा सकता है, बवासीर के मरीजों को फाइबर के लिए दिया जा सकता है, ओके। फाइबर जब भी हमारे खाने में कम होता है तो आप चाहे 3 महीने का कोर्स चलाइए पाइलोडॉक का, चाहे 10 महीने का कोर्स चलाइए, जैसे ही आप पाइलोडॉक बंद करते हैं और आपके खाने में फाइबर कम होता है, आपको फिर से दिक्कत हो जाएगी। ये बात पाइलोडॉक के साथ नहीं, ये बात आप ऑपरेशन भी करा लीजिए बवासीर का, फिर भी अगर आपने फाइबर की कमी खाने में नहीं पूरी की तो आपको फिर से बवासीर हो सकती है। क्या नहीं, श्याम सोनू जी कोई फोटो खींच रही है, आप ना डायरी लेकर बैठे हैं ना पेन लेकर बैठे, एकदम स्टिल हाँ करता है। Whether you are using Pylodoc or not, you have done the course for Pylodoc, आप already course कर चुके हैं, तब भी आगे further करने वाले हैं, तो भी आप एक बार, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके खाने में fiber complete हो जाए तो थोड़ी बहुत जो दिक्कत है कभी कभार है ना, साल दो साल में एक आध दिन दो तीन दिन के लिए परेशान हो जाते हैं, तो Pylodoc के course के पहले ही आप ये fiber के product पूरे करके समस्या पर काम कर सकते हैं, okay? कौन कौन से फाइबर के, एक तो बेरीडॉक है, एक एक्स एलोवेरा सिरप भी है, यहाँ पर फाइबर के लिए तो आप एलोवेरा सिरप भी लिख सकते हैं। कैसे दिया जाता है, इसे कॉन्सेंट्रेटेड ना दें तो ज्यादा मजेदार है,
ओके, कॉन्सेंट्रेटेड ना दे मतलब कहने का क्या है, इसे एक ग्लास पानी लीजिए, ओके, एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें 25 से 30 ml, 25 ml या 30 ml से डालिए, घोलिए और घोल कर आपको इसे पीना है, ओके। एक ग्लास पानी में जब इसे आप 25 से 30 ml डालेंगे तो ये लगभग एक ग्लास जूस जैसा तैयार हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, इसी का पेरिडॉक जूस का ही कैप्सूल फॉर्म है, बेरिडॉक कैप्सूल, ओके, इसी जूस का ही कैप्सूल फॉर्म है, ओके। जरूरी बात क्या है, बेरिडॉक जूस की तुलना में ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट है, बस कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं इजी टू कैरी है, ओके, इजी टू कैरी है, इजी टू आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट है, आप ट्रांसपोर्ट तो नहीं, इजी टू कैरी होंगी, 1 लीटर की बॉटल लेकर चलना घूमना इज नॉट दैट इजी। अगर आप हर रोज में यूज कर रहे हैं तो आप बॉटल फॉर्म में इसे जूस फॉर्म में भी, जूस को कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दिस, बेरिडॉक जूस और कैप्सूल के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, हाई शुगर यानी डायबिटिक्स को तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन कई बार क्या होता है डायबिटिक्स का ही शुगर एकदम से ड्रॉप हो जाता है ना, तब उस टाइम पे उनको कैप्सूल जो है वो दिया जा सकता है, ओके, नॉट द जूस। व्हाट इट, नेक्स्ट आफ्टर दिस, नेक्स्ट इज आवर कर्किडॉक ड्रॉप। कर्किडॉक ड्रॉप बेसिकली आप कह सकते हैं कर्क्यूमिन, कच्ची हल्दी का मुख्य तत्व है। हल्दी एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, हल्दी एज एन एंटी डिप्रेसेंट भी काम करती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं हल्दी, सॉरी, हल्दी एज एन एंटी डिप्रेसेंट भी काम करती है। तो अब तो हमारे पास एंटी डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन पर स्पेसिफिकली काम करने वाले प्रोडक्ट्स आ गए हैं, अदरवाइज एंटी डिप्रेसेंट के रूप में हम पहले पंच तुलसी ऑयल प्लस कर्किडॉक ड्रॉप रिकमेंड किया करते थे, ओके, बट नाउ हमारे पास है ब्राह्मी कैप्सूल है, अश्वगंधा कैप्सूल है, वो एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं, तो हमें इतनी कर्किडॉक ड्रॉप को उस पर्पज में यूज करवाने की जरूरत नहीं, पर कर सकते हैं भी इन केस ऑफ इमरजेंसी, ओके। नेक्स्ट, जरूरी बात से एज एन एंटीसेप्टिक भी रिकमेंड किया जाता है, एंटीसेप्टिक मतलब सेप्टिक्स को क्योर करने के लिए, हम यहाँ सेप्टिक में बात कर रहे हैं मांस की छोटी छोटी गांठों से लेकर, हर्निया से लेकर, मांस से बनता है ट्यूमर, ट्यूमर से बनता है कैंसर, इन सभी स्टेजेस की, इन सभी समस्याओं के, ओके, क्या क्या यूज किया जाएगा, क्या क्या रिकमेंड किया जाएगा। पहला, मैं यहाँ पर कैंसर के लिए कॉम्बिनेशन नोट करवा रही हूँ, तो ध्यान से नोट कीजिएगा, ओके, ध्यान से नोट कीजिएगा, क्लोरोडॉक प्रवाहिक वात कुर्किडॉक ड्रॉप या कैप्सूल, आप यहाँ पर चाहें तो कैप्सूल के ब्रैकेट में गैस ले सकते हो, है ना, ओके, कर्किडॉक ड्रॉप या कैप्सूल, कैप्सूल में आप ब्रैकेट में लिख लीजिए गैस, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस क्या रहेगा, इसके अलावा या इसके बाद नोनीडॉक जूस प्लस तुलसी प्लस वीटा प्लस जिस चीज का कैंसर है, जैसे मान लीजिए अगर ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन डॉक प्रोवाइड कर, इस तरह से जिस चीज का कैंसर है उसके लिए एक प्रोडक्ट दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दिस, तो फिर से रिपीट कर देती हूँ कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए जो नोट कर रहे हैं, क्लोरोडॉक प्रवाही कॉट कर्किडॉक ड्रॉप या कैप्सूल, नोनीडॉक जूस, तुलसी, वीटा और जिस चीज का कैंसर है उसके लिए क्लोरो कुर्किनोनी तुलसी वीटा एंड साइड स्पेस। इसे लिया कैसे जाता है,
इसे लिया कैसे जाता है, लगभग आप कह लीजिए, कैसे लेना है इसे, लगभग आप कह सकते हैं आधा कप पानी में, ओके, आधा कप पानी में एक से दो ड्रॉप से डालना है और गरम गरम सिपिंग करके आपने पीना है, ओके, सिपिंग करके से पीना है। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर सीबक डॉग जूस। सीबक डॉग जूस बेसिकली आप कह सकते हैं सीबक सॉन नामक बेरीज का जूस है, ओके, सीबक सॉन नामक बेरीज का जूस है। ये इम्यूनोडॉग रस की रिप्लेसमेंट है डायबिटीज यानी शुगर के मरीजों के लिए, डायबिटिक्स यानी शुगर के मरीजों के लिए इम्यूनोडॉग रस की आप कह सकते हैं रिप्लेसमेंट है, क्योंकि इम्यूनोडॉग रस में जो एप्पल होता है दिस हैज स्वीटनिंग इन इट और वो मिठास नुकसान करती है शुगर के मरीजों को, इसलिए उनके लिए ये सपोर्टिव रोल में, इम्यूनिटी के रोल में, ताकत के रोल में सीबक डॉग जूस रिकमेंड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस कैसे लिया जाएगा, खाना खाने के बाद दिन में दो बार, खाना खाने के बाद दिन में दो बार, ओके, 25 से 30 सेकंड तक। नेक्स्ट आफ्टर दिस इसके बारे में कि ये फोटो कैसे आ जाता है, जो हमारा प्रोडक्ट है ये हार्ट के पेशेंट्स को हम ब्रेन डॉग दे रहे हैं, तो भी अगर नहीं भी दे रहे हैं तो भी साल में एक बार 3 महीने का कोर्स घुटनों के बीच के फ्लूइड के लिए या कह सकते हैं आंखों की रोशनी के लिए या स्किन और बालों के लिए साल में एक बार में लिया जा सकता है, साल में एक बार 2 से 3 महीने इसको चलाया जा सकता है, मन ना करे के स्पेसिफिक है। नेक्स्ट इज आर जी कॉफी डॉग पाउडर, जी फॉर गेनोडर्मा, के जी फॉर गेनोडर्मा। गेनोडर्मा एक मशरूम है, ये ईस्टर्न एशिया रीजन में पाया जाने वाला हमारा मशरूम है और ये आप कह सकते हैं कि काफी कह लीजिए ध्यान एकाग्रचित करने वाला, कंसंट्रेशन पावर बेहतर करने वाला हमारा मशरूम रहता है। दिस इज मोर ऑफ रिकमेंडेड, ओके, दिस इज मोर ऑफ रिकमेंडेड, ये जो मशरूम है ये ज्यादा रिकमेंडेड रहता है कॉफी की फ्रेग्रेंस के साथ होता है, तो कॉफी के साथ में यहाँ पे जी कॉफी डॉग पाउडर के फॉर्म में। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके साथ में क्या रहता है, कि ये कॉफी की तरह पानी में उबाल कर कॉफी की जगह ही पिया जाएगा, कॉफी बीन्स के साथ तैयार किया गया, इसको आप कह सकते हैं ध्यान एकाग्रचित करने वाली, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने वाली हमारी ये कॉफी रहेगी। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस मास डॉग पाउडर। मास डॉग पाउडर बेसिकली आप कह सकते हैं वेट पुट ऑन करने का यानी मास बढ़ाने का पाउडर है, वेट पुट ऑन करने का, मास बढ़ाने का पाउडर। इसके बारे में जरूरी बात वही 30 ग्राम दिन में दो बार एक ग्लास दूध के साथ में ये लिया जाएगा। ओके, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, आपके शरीर को वजन, ठोस वजन देने में मदद करता है। इसके साथ में जिनसिंग कैप्सूल भी लिया जाए, जिनसिंग कैप्सूल, जिनसिंग, GINSEN, जी जिनसिंग। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस 30 ग्राम दिन में दो बार वही इसी तरीके से लेना। नेक्स्ट इज आर पेनल डॉग ड्रॉप। पेनल बेसिकली आप कह सकते हैं सौंफ के अर्क को कहा जाता है, किसी भी अच्छे होटल में खाना खाने चले जाइए आपको खाने के बाद सौंफ मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि जो कुछ भी आपने खाया है उसमें जो आपके पाचन की मसल्स ने मेहनत की है उनको सर्विसिंग देने के लिए, ठीक है, ये मैं सोचेगा सौंफ खाना हजम करती है, कभी भी नहीं, डायरेक्ट इसका खाना हजम करने में कोई रोल नहीं होता, सौंफ आपकी मसल्स को सर्विसिंग देती ताकि अगली बार, जैसे ना आटा पीसने के लिए चक्की का रोल, चक्की आटा पीसती है, उसमें अभी मान लीजिए पानी अगर आप डाल रहे हैं ऊपर से तो वो पानी चक्की धोने के लिए है, आपका आटा पीसने के लिए नहीं, ठीक है, वही काम सौंफ का होता है। ओके, बाद में अगर आप पानी डाल रहे हैं तो वो चक्की को साफ करने के लिए, वही आपका इसका हाल है कि आपके पाचन की मशीन यानी चक्की साफ करने के लिए, इस वजह से कब्ज की समस्या पर ये बहुत बेहतरीन आराम देता है, रिजल्ट देता है आप कह सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कब्ज की दिक्कत के लिए हमारे पास एक और भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट आ गया है, दैट इज कब्ज डॉग ग्रैन्यूल्स। ओके, वो खास तौर पे कब्ज डॉग ग्रैन्यूल्स कब्ज के लिए ही रिकमेंडेड है, पर दोनों में फर्क क्या है, जब हमारे पास एक जैसे दो प्रोडक्ट होते हैं तो
मोस्ट प्रोबेबली हमारे जितने जानकार होते हैं या हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो भी कह लीजिए जिन्हें हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो हमसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि जब दोनों प्रोडक्ट सेम है तो इनको क्या कह के सेल किया जाएगा, कि ये ना हो तो ये दे दो या इन दोनों में कोई फर्क है, होता है ना? तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर पेनल डॉग ड्रॉप और कब्ज डॉग ग्रैन्यूल्स में फर्क है। कब्ज डॉग ग्रैन्यूल्स जिनको हमेशा कब्ज की दिक्कत रहती है उनके लिए है, रोज खाने के लिए, हर रोज जिनको हमेशा ही कब्ज की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों के लिए हर रोज का आप कह सकते हैं पेट को सॉफ्ट करने का, या कह सकते हैं जो पेट साफ करने का संतुष्टि है ना आराम कब्ज में, वो देता है कब्ज डॉग ग्रैन्यूल्स। और फेनिल डॉग ड्रॉप जैसे कभी कभार आपको कब्ज की दिक्कत होगी, ज्यादातर ये कभी कभार वाली कब्ज की दिक्कत आपकी जानकारी में होती है ना, उदाहरण के तौर पर कहीं बाहर है, ठीक से भोजन नहीं कर पाए, पेट पर्याप्त भरा नहीं, तो कब्ज की दिक्कत अगर आपको नोटिस करनी है, छोटे बच्चों को नोटिस कीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। नहीं, बच्चे रेगुलर रूटीन में होते हैं, अगर एक भी दिन थोड़ा कम पेट भरा तो उनका रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा करके गड़बड़ होता ही चला जाता है। वैसे ही बड़ों में भी आप वही चीज लगा सकते हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जब आप खान पीन प्रॉपर नहीं लिया आपने एक आध दिन ही, तो आपको दिक्कत हो जाती है, और अक्सर ऐसा होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं प्लान्स के लिए या किसी भी वजह से, तब आप फेनिल डॉग ड्रॉप साथ में रख सकते हैं। खाना खाने के बाद इसे गुनगुने पानी में, गुनगुना मतलब कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना, गुनगुने पानी में इसे एक ड्रॉप डालकर सिपिंग करके पीना है। नेक्स्ट इज आर डिजी डॉग पाउडर। डिजी डॉग पाउडर बेसिकली आप कह सकते हैं डाइजेशन यानी हाजमे का चूर्ण है, पाउडर है। ओके, इस तरह से पाउडर आपने हाथ में लेना है और इसे पंखी लगानी है, और इससे आपका पाचन सॉफ्ट होता है। यस, ये खाना हजम करने में भी मदद करता है। ओके, साथ ही साथ आप कह सकते हैं पेट तनना, गैस बनना, सीने में जलन लगना है ना, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है उन सभी पर ये काम करता है। देरी से खाना हजम होना, उन सब पे ये काम करता है। ओके, आप चाहें तो थोड़ा बॉडी टेम्परेचर वाला पानी भी इसके साथ पीछे से पी सकते हैं। खाना खाने के बाद 40 से ऊपर की उम्र के लिए आप कह सकते हैं रिकमेंड किया जा सकता है, तो आसानी से खाना हजम करने में मदद करेगा। 6 ग्राम जो मैडम बोल रही है उसमें चम्मच है, 6 ग्राम नपा हुआ आता है प्रोडक्ट है ना, क्योंकि मैडम एक ड्रॉप बोलते हैं, कभी 10 ग्राम कभी 5 ग्राम, तो टेंशन मत लो, कंपनी के हिसाब से ही चलते हैं हम है ना, प्रोडक्ट में ऑलरेडी मेंशन है या पैकेजिंग में ऑलरेडी मेंशन है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, या पैकेजिंग में ऑलरेडी अवेलेबल है चीजें। करकी डॉग कैप्सूल तो बता ही चुकी हूँ, करकी डॉग ड्रॉप का ही कैप्सूल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज आर, जिनको गैस की प्रॉब्लम है करकी डॉग ड्रॉप यूज कर रहे हैं, गैस बन जाती है, या पहले से गैस की दिक्कत थी और करके डॉग ड्रॉप यूज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इतना ध्यान रखिएगा, ये हमारा दिस वन इज करक्यूमिन के साथ, इसमें त्रिफला है जो कि गैस पर बहुत बढ़िया आराम देता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर मसल डॉग पाउडर। मसल डॉग पाउडर बेसिकली आप कह सकते हैं मसल्स के लिए डिजाइन किया गया पाउडर है। मसल्स मतलब 6 पैग है, 8 पैग है, बाइसेप ट्राइसेप की बात की जा रही है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी है यहाँ, वे प्रोटीन आइसोलेट के साथ में, जो कि 30 ग्राम दिन में 2 बार 1 ग्लास दूध के साथ में लिया जाएगा। फिर से एक बार कहूंगी, जब आप जिम फूड के साथ रिजल्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंगली जिमिंग करनी पड़ेगी। ओके, जो रिजल्ट के लिए मतलब जो भी असरदार प्रभावी इक्विपमेंट्स या असरदार प्रभावी एक्सरसाइजेस है वो ही की जाएंगी है ना, ये मत उम्मीद कीजिएगा कि मास डॉग वाली एक्सरसाइज आपकी स्लिम डॉग में चल जाएगी, गॉट इट, या हाइट डॉग की एक्सरसाइज बाकी किसी में चल जाएगी। नेक्स्ट इज आवर स्पाइरोक कैप्सूल। यहाँ से हमारे ताकत के कैप्सूल है। हम लोग जानते हैं कि आप किसी भी साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर्स उठाकर पढ़ लीजिए अगर समय मिले तो, वरना आपने अपने परिवार में ही बड़े बुजुर्गों को आपने कहते सुना होगा है ना, कि तुम लोग क्या खाओगे, देसी घी, देसी घी तो हमने खाया है अपने टाइम पे, सुना होगा जरूर है ना। बहुत सी चीजें हमारे आसपास जो अपने बड़ों को कहते सुनते हैं, और ये फैक्ट है, वाकई का फैक्ट है,
हकीकत है कि खाने की क्वालिटी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है फील्ड की वो पूरी करनी है, पॉपुलेशन की जो डिमांड है वो पूरी करनी है। हर किसी को अपना मुनाफा जरूर चाहिए, और ऐसे में उस मुनाफे में किसान को अगर पूर्ति करना है तो वो उतनी कंडीशनिंग करके प्रॉपर नरिशमेंट देके प्रोडक्ट नहीं उगा सकता, या फसल नहीं उगा सकता, या कह लीजिए क्वालिटी ही गिरती जा रही है, कह लीजिए मिट्टी में ही न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है दिन प्रतिदिन, जिसके चलते हमारे खाने की क्वालिटी गिरती जा रही है। तो ऐसे में जब हमें ये लग रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारे खाने में क्वालिटी की कमी है, तो ऐसा नहीं कि जब आप बीमार होंगे तब आप जाके प्रोडक्ट ले, नहीं, जब हम जानते हैं कि हमारे खाने में कमी है तो क्या हम इस कमी को पूरा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। हम में से ज्यादातर लोग, जैसे अभी अगली बार भी उदाहरण जरूर मेंशन किया जाएगा, देश में जनसंख्या की जो डिमांड है, पॉपुलेशन की जो टोटल डिमांड है कि कितना दूध चाहिए, उसकी तुलना में दूध का उत्पादन मात्र 60% हो रहा है, 59 कुछ, ठीक है, 60 भी पूरा नहीं, तो बाकी 40% क्या है? मिलावट। अब वो उसमें पानी मिला के पूरा किया जा रहा है, केमिकल मिला के पूरा किया जा रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस एरिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप दूध पी भी रहे हैं तो भी आपकी हड्डियां कैल्शियम की कमी में रहेंगी, गॉट इट। इसी तरह से अगर आप बहुत अच्छा भोजन कर भी रहे हैं तो भी हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सबकी कमी रहती है। ये बात तो मैं शरीफों की कर रही हूँ, जो लोग शराफत से दाल रोटी खाते हैं, जो लोग दाल रोटी ही नहीं खाते हैं, सिर्फ बाहर का मजेदार चटपटा मिल जाए, है ना, पता चला मम्मी ने लौकी बनाई है तो गायब हो गए, कहाँ गए हैं, मोमोज के स्टॉल पे खड़े हैं, लौट करा के मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये तो मैं उन लोगों के शरीफों की बात करी जो दाल रोटी खाते हैं, उनके तो न्यूट्रिशन कम है खाने में, और जो सिर्फ पेट भर लेते हैं न्यूट्रिशन के नाम पर कुछ नहीं ले रहे हैं, है ना, सिर्फ अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी खा लेते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉट इट। तो ऐसे ही लोगों के लिए बहुत सीधे के कैटेगरी है, वी कैन नॉट कैटेगराइज पीपल। कई बार छोटे शहर वालों को ये लगता है कि मैडम कैसी बातें कर रही है, रोज कौन खाता है ना बर्गर पिज्जा, रोज कौन खाता है, 5 दिन बड़े शहरों में आकर रहिएगा, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि हमारी दाल रोटी ज्यादा अच्छी है, हम इससे ज्यादा जिएंगे, है ना। एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी फिलोसफी वाली बात हो जाती है, बट सच्चाई यही है कि जब इंसान की जेब में पैसा नहीं होता तो उसे लगता है कि मेरी जेब में पैसा हो तो मैं भी ये चीजें एंजॉय करूं, मैं भी ये खाऊं, और जब पैसा होता है और वो चीजें खाने लायक होते हैं तब डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब आप ये सब चीजें खाएंगे तो बस सीधे ऊपर जाएंगे, है ना। तो ये साधन का दुरुपयोग कभी भी ना करें, ऊपर वाले के आप बहुत आभारी हैं कि आपको खाने में दाल रोटी अगर मिल रही है तो साधारण, बाकी सपने पूरे कीजिए, भोजन में सपने ना डालिए, नहीं तो फिर स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, कि मेरा सपना था कि मैं रोज सुबह नाश्ते में एक बर्गर खाऊं, तो ये इस तरह के सपने ना देखें, ओके, स्वास्थ्य से रिलेटेड सपने ही देखें, बच्चों की पढ़ाई से लेके, बड़ी एजुकेशन से लेके, बड़े बड़े और भी सपने हैं, विदेश घूमने से लेके, घर बनाने से लेके, गाड़ी लेने से लेके, ये सब सपने कंपनी आपके पूरे करेगी, और आप कहीं खाने के गलत सपनों में ना चले जाए, इसके लिए ये सारे प्रोडक्ट आप ही के लिए, ओके। तो ऐसे में जब हम अच्छा खासा भोजन ले रहे हैं तब भी हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन की कमी है, और तीसरा टाइम टेबल तो खैर सभी के ऊपर मेहरबान है ना, तीसरा जो टाइम टेबल की कमी है मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, हम में से 90% लोग, समटाइम्स इंक्लूडिंग मी, ठीक है, इतनी जानकारी होने के बाद भी गड़बड़ हो जाती है, हम में से 90% लोग नाश्ता मिस कर जाते हैं या बहुत लाइट करते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से ये बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, डिनर हल्का करना चाहिए जिसमें से रात पार हो जाए, बीच में उठ के खाना ना पड़े, लेकिन हम डिनर बहुत भारी करते हैं क्योंकि शाम को बनाने वाले के पास भी फुर्सत है और खाने वाले के पास भी फुर्सत है नहीं, सुबह किसी के पास टाइम नहीं है, और सर्दियों में तो बिल्कुल भी नहीं, दिन इतना सा उसमें भोजन इतना सा हो जाता है। तो इसीलिए जबकि पुराने जमाने में ये जो
पहले हमारा आज से 30-35 साल, बहुत पुराना नहीं, आज से 30-35 साल पहले ही ये बिल्कुल सिंपल सेइंग है कि सर्दियों में जम के खाओ और गर्मियों में जम के पसीना बहाओ। यस, लेकिन ये सारे सिस्टम हमने खराब कर लिए हैं, खुद ही गड़बड़ कर लिए हैं। तो ऐसे में हमें शरीर पर ऊपर से जो न्यूट्रिशन की जरूरत है उसमें ये काम करेगा। स्पाइरिडॉक कैप्सूल स्पाइरुलिना नामक एल्गी से तैयार किया गया है, जिसे कि आयुर्वेद में कह लीजिए या जनरली कह लीजिए सुपर फूड कहा जाता है। सुपर फूड क्या होता है? व्हाट इज सुपर फूड? सुपर फूड वो भोजन होता है या वो खाना होता है जो एक ही फूड सब कुछ आपको एक ही जगह देते है ना। दाल के लिए अलग से प्रोटीन, के लिए अलग से दाल नहीं है ना, सब्जियों से अलग से विटामिन नहीं, नहीं सब कुछ एक ही जगह, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ एक ही भोजन दे दे। ऐसा ऐसे ही भोजनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, ऐसे कैप्सूल्स के बारे में, चारों ऐसे ही लगभग। मेजर उसमें आता है स्पाइरिडॉक कैप्सूल, ये 20-22 साल से 35-40 साल तक की एज के लिए, ये वही एज है कि खाने में सुन लिया क्या है तो गायब हो गया है ना, घर से फोन आ गया कि आज डिनर में ये बनेगा तो बस उसी दिन ऑफिस से खाना खा के पहुंच गए। तो ये उसी कैटेगरी वालों के लिए 20-22 साल से 35-40 साल तक के लिए, जहां पर आप ये कह सकते हैं खाने की न्यूट्रिशन की कमी है आपके शरीर में, खाने के रूप में भी है और खाने की क्वालिटी के रूप में भी। 20-22 साल से 35-40 साल तक में एक और चीज लिख लीजिए, इनएक्टिव। इनएक्टिव इसमें उदाहरण अपना ही देती हूँ, अगर पूरे दिन लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो हम कहां से एक्टिव होंगे है ना, और ऐसे में अगर खा लेंगे तो वो खाना पूरे शरीर पे असर करेगा। इसलिए ऐसी चीज ली जाती है जिससे ताकत ताकत रहे और शरीर बल्ज आउट ना हो। ओके, इसलिए इनएक्टिव युवाओं के लिए, अगर आप सुबह से उठते हैं और गाड़ी में बैठ के प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं, ठीक है, फिर गाड़ी में बैठ के लौट के आ जाते हैं और मेहनत के नाम पे आप 10 कदम भी नहीं चलते हैं, तो आपके लिए ताकत का सोर्स यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर काउसीडॉक कैप्सूल। काउसीडॉक कैप्सूल बेसिकली आप कह सकते हैं गाय के कोलेस्ट्रम से तैयार हुआ है। ओके, गाय के कोलेस्ट्रम से तैयार हुआ है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? डरिए नहीं, कोई कोई मांसाहारी चीज नहीं है ये। सुनी होगी आपने एक सेइंग, एक कहावत, सॉरी कई बार किसी कई लोगों को कहते सुना होगा, बचपन से सुना होगा, पुराना स्लैंग है, माँ का दूध पिया है तो ये करके दिखाओ, राइट? सुना है, सबने सुना है। आवाज सुनाई दे रही मेरी? धीमे तो नहीं हो गया ना? ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया, यस। जैसे आपका तुरंत एकदम आवाज वर्ड सुनते हाथ खड़ा होना, इसका मतलब आप सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मैडम को, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, तो आपने सेइंग सुनी होगी कि माँ का दूध पिया है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी चीज खा लीजिए, कितने भी इंजेक्शन लगवा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जो आपको स्ट्रोंगेस्ट इम्यूनिटी मदर्स मिल्क देता है, वो भी फर्स्ट मिल्क द स्टार्ट डिलीवरी, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। ओके, और ऐसे में बहुत से आप कह सकते हैं लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, अब ये साइंस की भाषा आ गई है, ठीक है, महिलाएं ऑफेंड नहीं होंगी बिल्कुल। लैक्टेटिंग एनिमल्स में सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं, ह्यूमंस होते हैं, देन वी हैव भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, है ना, ये सभी, इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर जो होता है वो गाय का कोलेस्ट्रम होता है, गाय का गाढ़ा पीला दूध। ओके, सबसे ज्यादा ताकतवर वही होता है, तो उसी को कैप्सूल फॉर्म में तैयार किया गया है। ओके, उसी को कैप्सूल फॉर्म में। आई एम नॉट सेइंग हियर कि आपके मतलब बेबी के लिए मदर्स मिल्क से ज्यादा जरूरी कुछ और है, लेकिन आप जिस एज में है 35-40 साल से लेकर 20-22 साल से 35-40 साल के लिए, उस एज में आपको वो इम्यूनिटी वापस नहीं मिल सकती, इसलिए ये फॉर्म। ओके, उसी इम्यूनिटी को और कह लीजिए स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स अमाइनो एसिड्स मिनरल्स प्रोटीन का सोर्स होने के साथ साथ ये डैमेज्ड टिश्यू को, वॉर्न आउट टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है।
यही खासियत है ना माँ के दूध की, वही चीज है इसमें। ओके, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करता है, खून के सभी तत्वों को बेहतर करता है, और दूध है तो हड्डियां तो मजबूत करेगा ही, क्योंकि कैल्शियम तो होगा ही। ओके, तो हड्डी से लेके खून से लेके एंटीऑक्सीडेंट से लेके विटामिन से लेके अमीनो एसिड से लेके मिनरल से लेके प्रोटीन तक 20-22 साल से 35-40 साल तक के युवाओं के लिए रिकमेंडेड है। द थिंग टू बी केप्ट माइंड वेरी क्लियरली, अगर आप फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है तो आप स्पाइराडॉक ले, स्पाइरोलिना नामक एल्गी से तैयार है वो। मोरिडॉक कैप्सूल बेसिकली हम कह सकते हैं मोरिंगा यानी सहजना के बीज और फलियों से तैयार किया गया है। ओके, सहजना के बीज और फलियों से तैयार किया गया है, इसके बारे में जरूरी बात। देखिए ज्यादातर ये जो चीजें जिनके बारे में नाम बता रही हूँ आपको, कई बार क्या होता है पर्सनली जो हमसे लोग मिलते हैं कंपनी के थ्रू नहीं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट ठीक है, सबका वही एटीट्यूड है, सर करे 100 में से 80 ही हमारे आईडी लगता है, मुश्किल से 80 ही आगे बढ़ते हैं, सॉरी 20 ही आगे बढ़ते हैं, 80 रह जाते हैं। तो हमारे साथ भी यही है, कंपनी के प्रोडक्ट नहीं ऐसे बता दो, क्या ले लेंगे ठीक हो जाएगी, ये सारी चीजें क्या ले लेंगे वाले जवाब में आती ही नहीं है। ठीक है, अगर आप कोशिश भी करें नहीं आएंगे। समुद्र में पाई जाने वाली कवक, आपको कवक फॉर्म में अगर खिला दी जाए तो दूसरे दिन आप होश में आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। एल्गी होती है, सोचिए आप जमीन से निकाल के काई खा रहे हैं, खा पाएंगे नहीं। वो गाढ़ा पीला दूध, गाय वाला कोलेस्ट्रॉल, आज की जनरेशन जो मैंने 20-22 साल से 30 साल तक की एज बताई वो पीना नहीं चाहेगा बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो उसे देखना ही, देख कर ही पसंद नहीं आएगा। यस, इसके तीसरा ही आ गया हमारा मोरिडॉक कैप्सूल सहजना, इसको आप बहुत स्वाद में पकाएंगे तो भी इसको सक इन करके लिक इन करके फेंक दिया जाता है। ठीक है, फेंक दिया जाता है, इसे चबाया नहीं जा सकता, पेट में जाएगा तो छील छाल देगा, सारा हाल खराब कर, पहले तो जाएगा कैसे। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे इन सोर्सेज को, जब आपको ये प्रैक्टिकली सोर्सेज, ओमेगा के लिए अलसी, ओमेगा डॉक कैप्सूल के लिए अलसी, मैं आपको कहती हूँ आप अलसी खा लीजिए, नो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट मत लीजिए, लेकिन आप नहीं पसंद करेंगे, एक बार अलसी चबाएंगे दूसरी बार कहेंगे नहीं ठीक है कैप्सूल ही ठीक है। स्वास्थ्य और प्रकृति अगर इतनी आसान होती तो आजकल हर कोई स्वस्थ होता है ना, अगर ऐसे स्वाद में सब कुछ मिल जाता, स्वाद में आप सब कुछ मान जाते तो हमें ताकत के लिए गोल्डन मिल्क पाउडर अलग से नहीं बनाना पड़ता, स्वाद का ही ध्यान रख के वो तैयार किया गया, क्या करें है ना। तो ये सहजना भी, ये क्या करता क्या है सहजना, बड़ी जरूरी बात, ये मैंने जैसे बताया कि जिसको फली होती है उसको आप इस तरह से चूस के फेंक देते हैं खाने भोजन में भी। ठीक है, तो वो 100% आप उसको नहीं यूज कर पाते, जिसकी वजह से इसका 100% फायदा आपको नहीं हो सकता। और पहली बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज आप खा नहीं पा रहे हैं इसलिए आपने उसे कुक की है। ठीक है, वो अपने मसालों में तेल में फ्राई किया, तैयार किया, तो वैसे ही आप उसको 10% 20% पर ले आए हैं, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को 10-20% पे आप ले आए हैं 100 से। ठीक है, तो आप वैसे भी उसके 20% न्यूट्रिशन लेने वाले हैं। नेक्स्ट, मोरिंगा की जब हम बात कर रहे हैं, इसकी खासियत होती है ये वॉर्न आउट टिश्यूज को, डैमेज टिश्यूज को, इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन को ठीक करता है। मतलब जो आपकी बॉडी में रोज रोज कुछ ना कुछ घाव या इंटरनल आप कहते हैं चलती रहती है धड़बुन, उसमें जो दर्द तकलीफ प्रॉब्लम होती है रोज की, उसके लिए काम करता है, जिसके चलते ये 35-40 साल से 60 साल तक की एज के लिए रिकमेंडेड रहता है। 35-40 साल से लेके 60 तक की एज के लिए रिकमेंडेड रहता है, जहां पर आप देखेंगे अपने ही घर में 40-45 साल से कह लीजिए, है ना, आपके घर में ऐसे कोई ना कोई जरूर मिल जाएंगे, आज क्या है दिक्कत, आज थोड़ा सा बीपी लो हो गया, आज क्या है आज सर दर्द हो रहा, आज क्या हो गया आज थोड़ा सा फिर हरारत लग रही, बुखार आ गया, अरे आज घर में किसी को छींकाई तो उन्हें बुखार हो गया। मतलब जो हमेशा ही बीमार की कैटेगरी में आते, कमजोर की कैटेगरी में आते। रीजन बींग, अब मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मोरिडॉक कैप्सूल लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, यू हैव टू यूज ऑल अदर प्रोडक्ट्स जो कि रिक्वायर्ड होंगे उस समस्या के चलते, जो भी समस्या होगी, बट मोरिडॉक कैप्सूल उस टाइम साथ में दिया जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर दिस वीटाडॉक कैप्सूल, वीटाडॉक कैप्सूल बेसिकली मल्टी विटामिन का कैप्सूल है, एंड दिस इज स्पेशली रिकमेंडेड
वीटाडॉक कैप्सूल इज स्पेशली रिकमेंडेड 60 प्लस की एज के लिए, ओके 60 से ऊपर यानी 60 प्लस की एज के लिए ये रिकमेंडेड होता है। क्यों? क्योंकि 60 से ऊपर की जो एज होती है जहां पर कभी दांत कमजोर कभी आंत कमजोर, मतलब जो आप हजम कर पाएंगे वो आप चबा नहीं पाते हैं और जो आप आसानी से खा पाते हैं वो आप हजम नहीं कर पाते हैं, राइट। मैदा बहुत आसान होती है खाने में, हजम कर सकते हैं? नहीं। मैं बिना दांत वालों की बात करें, दांत वाले तो उसका कुछ भी बना के खाएं, ठीक है, हजम तो किसी को नहीं होगी, लेकिन क्या वो हजम कर सकते हैं? नो, ठीक है। बहुत आसान होता है दलिया वगैरह, इजी, लेकिन वो कितनी कितना आपकी हेल्प कर पाता? ज्यादा नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ऐसे में एक 60 प्लस की एज के बाद, मान के चलिए पहले ही न्यूट्रिशियस वैल्यू इतनी कम है, उसमें आप कुछ दांतों के चलते नहीं खा पा रहे, कुछ पाचन के चलते नहीं खा पा रहे, तो वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको पूरा करने के लिए 60 प्लस के लिए विटामिंस मिनरल्स अमाइनो एसिड्स एंड 9 के 9 अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में, हमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ओके, हमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी में बनते ही नहीं कभी, वो सब देने में मदद करता है 60 प्लस की एज के लिए, नंबर वन। नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर क्या रहेगा, ये किसी भी बीमारी के चलते, आप डाइबोडॉक दे रहे हैं, आप थंडरब्लास्ट दे रहे हैं, आप स्टोन डॉग दे रहे हैं, आप ओबीओ डॉग दे रहे हैं, कोई भी कोर्स करवा रहे हैं, साथ में पंच तुलसी और वीटा डॉग मैं इसीलिए रिकमेंड करती हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी जो प्रोडक्ट चला रहे हैं उसके शरीर साथ में शरीर में जो ताकत की जरूरत है उसको अगर पूरा नहीं किया गया, भोजन से आपके पूरे न्यूट्रिशन को पूरा नहीं किया गया, तो आपको सेम प्रोडक्ट के रिकमेंडेशन पर चक्कर आ जाते हैं और ऐसे चक्कर की प्रॉब्लम के लिए फिर वीटा डॉग बाद में रिकमेंड करें, इसलिए शुरू से ही आप ताकत का विकल्प वीटा डॉग कैप्सूल साथ में लगाकर चलें, ओके, साथ में उनको लगाकर आप चलें जब भी कोई बीमारी का कॉम्बिनेशन बनाए, गॉट इट। एक कैप्सूल पत्ती। नेक्स्ट इज आवर हाइट ड्रॉप पाउडर, नाम से क्या चल रहा, हाइट बढ़ाने का पाउडर, ओके। समय देखकर नहीं लग रहा है कि आज एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट फिर से कवर हो पाएंगे, दो आई हैव कवर्ड दिस लास्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है कि मात्र 4 प्रोडक्ट के लिए पूरी मीटिंग दी गई हो, ठीक है, 1.5 घंटा 4 प्रोडक्ट के लिए दिया गया था पिछली बार, दैट वाज अ डेडिकेटेड मीटिंग। एनीवे आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि थोड़ा बहुत चर्चा जरूर हम कर ले, ठीक है। फिट डॉग पाउडर, हाइट डॉग पाउडर पे थे, हाइट डॉग पाउडर हाइट बढ़ाने का पाउडर है, मेजरली इसका रिजल्ट जो है, बेस्ट रिजल्ट जो है वो बढ़ते बच्चों वाली हाइट पर होता है, यानी 13, 14, 15, 16 साल तक की एज के लिए, ओके, जिस एज पर हाइट खिंचती है, बढ़ती तो लगातार है पर जिस एज पर हाइट खिंचती है, स्ट्रेच लेती है वन गो में, उस एज पर ये बेस्ट रिजल्ट देता है। रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप छोटी उम्र में 4 साल, 5 साल, 7 साल, अरे पेरेंट्स की हाइट इतनी है तो एकदम से आप प्रोडक्ट दे देंगे तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, नहीं, हाइट के रिजल्ट आप चाहे 4 साल से यूज कराना शुरू कर दीजिए, चाहे 10 साल से यूज कराना शुरू कर दीजिए, उसी एज पे आएंगे जहां पर हाइट बढ़ने की एज होती है, ओके। तो अगर आप 8 साल के बच्चे को भी शुरू करा रहे हैं तो लंबाई उसकी खींचेगी 13 साल में, और आप मान लीजिए 5 साल तो कोई आपके साथ पेशेंस नहीं रखेगा कि आपका प्रोडक्ट चलने दे, है ना। तो इसीलिए ध्यान से सटीकता से उसी एज पर रिकमेंड करने की कोशिश करें, ऐसा 13 साल कोई लाइन नहीं खींची हुई है, बट यस एट दी एज आप कह सकते हैं एट दी एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी जहां से आप कह सकते हैं बॉडी डेवलप करना शुरू करती है बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस 18 साल से ऊपर अगर आप एज पे ले रहे हैं इसे, तब ये जिम फूड है, तब ये जिमिंग के साथ चलेगा, तब ये 30 ग्राम दिन में 2 बार लिया जाएगा, ओके, जो अकॉर्डिंगली एक्सरसाइजेस है वो भी साथ में करनी होगी। नेक्स्ट इज आवर फिट डॉग पाउडर, फिट डॉग पाउडर बेसिकली फिट करने और फिट रखने का पाउडर, फिट करने और फिट रखने का पाउडर है। फिट करने या फिट रखने से क्या मतलब है यहाँ पे, फिट करना मतलब ये आप कह सकते हैं हमारा ओबीओ डॉग स्लिम डॉग के साथ का कोर्स है, ओके, ओबीओ डॉग स्लिम डॉग के साथ का कोर्स है, और जब फिट करने की बात आ रही है
तब ये दोनों ओबियोडॉक स्लिमडॉक के साथ चलेगा, और जब फिट रखने की बात आ रही है तो ये ओबियोडॉक स्लिमडॉक के बंद होने के बाद भी चलेगा। ओबियोडॉक स्लिमडॉक ऐसा प्रोडक्ट है नहीं कि साल भर जिंदगी भर चलता रहेगा, डाइबोडॉक की तरह ऐसा तो है नहीं। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम बाद आपका जैसा आपको वजन चाहिए था वैसा कम हुआ, आपने बंद कर दिया। अब उस बंद करने के बाद वजन तो मेंटेनेंस चाहिए ना, आप उस वजन को मेंटेन तो करना चाहेंगे ना। तो उस मेंटेनेंस के लिए जो परहेज आप स्लिमडॉक या ओबियोडॉक के कोर्स के साथ ऑयली फूड, जंक फूड, डीप फ्राइड फूड, नॉन वेज, एक्सेस प्रोटीन सबका परहेज कर रहे थे, वो परहेज कंटिन्यू कीजिए और ये प्रोडक्ट फिटडॉक कंटिन्यू कीजिए। आप आपका किया कम किया हुआ वजन को मेंटेन कर सकते हैं। नंबर वन, जिन लोगों को लगता वाह मेरी बहुत बढ़िया परफेक्ट बॉडी है ना, आई एम वेरी फिट राइट नाउ, ना मेरा वजन मेरी एज के हिसाब से ज्यादा है ना कम है, या आप बीएमआई के हिसाब से भी कह सकते हैं, तो उस वजन को भी मेंटेन करने में मदद करेगा। ओके, गर्म गर्म पानी में 1 से 2 ग्राम से डालना है और पीना है। ओके, उबाल के भी पी सकते हैं। सुबह सुबह दो ऑप्शन आप सुनिएगा, सुबह ऑप्शन नहीं सॉरी दो टाइमिंग सुनिएगा इसकी। सुबह सुबह चाय के साथ में और शाम की चाय के साथ, है ना, जब भी हमारा आप ये कह लीजिए चाय पानी का टाइम होता है उस टाइम पे ये खाली पेट में दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आफ्टर दिस एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप। एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप बेसिकली आप कह सकते हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत बढ़िया और सब कुछ होने के बावजूद भी जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनमें एक बार फिर से हमारी इंटरनल इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में मदद करें। ओके, गरम गरम पानी में 1 से 2 ड्रॉप डालना है, सिप करके पीना है। जरूरी बात, इसे आप आयुष क्वाथ पाउडर और इसको एक दूसरे का विकल्प मान सकते हैं, कहने का अर्थ ये दोनों नहीं चलेंगे एक साथ। ओके, आयुष क्वाथ पाउडर और एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप ये दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। इन्फेक्शन पर, वायरल इन्फेक्शन पर, बैक्टीरिया पर, जर्म्स पर आप कह सकते हैं दोनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट चलेगा। ओके, दोनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट चलेगा। जैसे कि आपको थोड़ा सा गले में खुजली, ठंड लगना, हरारत लगना शुरू हुआ, तो आप दोनों में से या तो एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप ले लीजिए गर्म गर्म पानी में, या आयुष पाउडर काढ़ा बनाकर आपके साथ। ओके, नेक्स्ट इज आर एक्स गिलॉय जूस कैप्सूल एंड गिलॉय जूस। गिलॉय, देखिए गिलॉय को राष्ट्रीय औषधि भी कहा जाता है इंडिया की। गिलॉय को संस्कृत में ज्वरगांठ भी कहा जाता है। ज्वरगांठ मतलब बुखार, बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है उस बुखार को संस्कृत में या शुद्ध हिंदी में आपके लिए ज्वर कहा जाता है, और उस ज्वर के लिए काम करने वाले ज्वरगांठ। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, ज्वरगांठ के अलावा इसे राष्ट्रीय औषधि की बात है, थोड़ी देर में बात करेंगे हम, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे वंडर हर्ब कहा जाता है। वंडर हर्ब, चमत्कारी बूटी। ओके, चमत्कारी बूटी, कारण ये पाचन बेहतर करता है, ये बुखार कम करने में मदद करता है, तो बता ही दिया है। तनाव एंजाइटी पे काम करता है, घुटनों के बीच के फ्लूइड यानी गठिया के लिए काम करता है, साइंस ऑफ एजिंग, स्किन के लिए स्किन की टेक्सचर को इम्प्रूव करने में मदद करता है, यानी आप आंखों की रोशनी के लिए भी इसे रिकमेंड कर सकते हैं, सभी के लिए ये काम करता है। इसीलिए हमारे डाइवोडॉक, लिवोडॉक, फीवोडॉक, वायरल डॉक सब में गिलॉय मिलेगा। ठीक है, सब में गिलॉय मिलता है, मेरी ओर से प्योर गिलॉय रिकमेंडेड नहीं होता, कारण बहुत गर्म है तासीर का। ओके, बहुत गर्म है ये तासीर का, स्वभाव का बहुत गर्म होता है। अगर आप प्योर गिलॉय एक्सेस में यूज करते हैं तो देर आर चांसेस कि आपको बवासीर या नाक से खून आना या इस तरह की गर्माहट के असर देखने को मिल सकते हैं। फिर भी मान लीजिए आपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने आपसे कहा कि नहीं आप गिलॉय लीजिए, अब ले लीजिए 15 से 20 ml दिन में 2 बार। ठीक है, राष्ट्रीय औषधि है, इसका अलग से प्रोडक्ट नहीं बनाया, ऐसा भी नहीं चल सकता है। ठीक है, बट रिकमेंडेड मेरी ओर से खास नहीं रहता है इसके स्वभाव की वजह से। गॉट इट। नेक्स्ट आफ्टर दिस, नोनी डॉग जूस। नोनी बेसिकली आप कह सकते हैं जंगली फ्रूट है। ओके, नोनी एक जंगली फ्रूट है जिसका ओरैक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी काफी हाई होती है, लगभग 50,000 के करीब, जो कि कैंसर की समस्या जो है कैंसर को ट्रीट करने में मदद करती है।
हमारे पास जाने वाली जरूरी बात इसके साथ में क्या है, तो हम तांत्रिक के कोर्स में तो भी मैंने बताया था क्लोरो कुर्की नोनी तुलसी विद्या के साथ में दिया जाता है। ओके, इसके अलावा आप कह सकते हैं हाई बीपी माइग्रेन शुगर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट रिकमेंड कर चुके हैं, एक कॉम्बिनेशन रिकमेंड कर चुके हैं और उस कॉम्बिनेशन पे आप कह लीजिए आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है 2 महीना 3 महीना और प्रोडक्ट यूजेज हो गया आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो लिमिट ऑफ जूस चार्ट यूज कराया जा सकता है। किडनी का मरीज जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है ना, किडनी का मरीज जिनका क्रिएटिनिन लेवल क्रिएटिन लेवल कुछ भी आप कह सकते हैं बढ़ा हुआ, उन्हें छोड़कर ये किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। नेक्स्ट इज आर अश्वगंधा एंड जिनसिंग कैप्सूल, जिसमें आपको बताया था ये दोनों ही एंटी डिप्रेसेंट है। नाउ वी हैव वन मोर एंटी डिप्रेसेंट इन दिस लिस्ट, इसका नाम है जिनसिंग कैप्सूल, ब्राह्मी कैप्सूल सॉरी, वो वेलनेस की रेंज में। ठीक है, तो तीनों हमारे एंटी डिप्रेशन कैप्सूल एक साथ नोट कर सकते हैं। फर्क क्या है, ब्राह्मी बालों और दिमाग दोनों पर काम करता है। ब्राह्मी जैसे टेंशन की जैसे बाल झड़ गए सुना है, उसमें ब्राह्मी ज्यादा रिकमेंडेड रहेगा। नंबर वन। नंबर टू, जैसे नॉर्मली आप तनाव में हैं, यू आर इन नो एज आप कह सकते हैं, या आप एज में हैं जहां पर डिप्रेशन इज एक्सेप्टेबल, ऐसे तो किसी एज पर एक्सेप्टेबल नहीं होता, बट स्टिल अश्वगंधा कैप्सूल दिया जाएगा। आप बहुत दुबले पतले कमजोर हैं और आपने एक कैप्सूल लेना शुरू किया, उससे आपको थोड़ा वजन सा बढ़ने लगा, मतलब जो बढ़िया सा खाना वाना खा रहे थे वो भी एकदम आपके शरीर को लगना शुरू हो गया, ऐसा हो गया, तो ऐसे में जिनसिंग काम करेगा, इस तरह का काम जिनसिंग करता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस एक गोल्डन मिल्क पाउडर, गोल्डन मिल्क पाउडर आपके दूध का पाउडर मिक्स विद हल्दी पाउडर। ओके, इसे आपने ये इम्यूनिटी से लेकर आपके आप कह सकते हैं हॉर्मोन्स को बैलेंस करने से लेकर जावित्री केसर कुछ भी इलायची सब का स्टेमिना बेटर करने में मदद करता है। ओके, एक ग्लास दूध लीजिए हर रोज, एक चम्मच प्रोडक्ट डालिए और बस दिन में एक ग्लास दूध, एक चम्मच प्रोडक्ट, 2 से 3 ग्राम आपको जरूर शाम को सोने से पहले लेना चाहिए। ओके, बाकी के प्रोडक्ट हम अगली बार कवर करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, आज के लिए प्रोडक्ट वाइज बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी लोगों इस वक्त के जो मौजूदा टारगेट है उसके लिए चमके तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लोजिंग भी आपकी बहुत बेहतरीन।